यूपी उपचुनाव पर इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। समाजवादी पार्टी ने 6 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। आपको बताएं, करहल से तेज प्रताप यादव समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां समाजवादी पार्टी ने 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। जहां करहल से तेज प्रताप यादव समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होंगे, इस वक्त की बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं और 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी की ओर से कौन कौन चुनावी मैदान में होगा, ये हम आपको बताएं। जहां सबसे इंपॉर्टेंट करहल सीट, तेज प्रताप यादव का नाम सामने आ रहा है। समाजवादी पार्टी ने 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। आपको बताएं, ये नाम सीसामऊ से नसील सोलंकी, समाजवादी पार्टी उम्मीदवार, इनका नाम सामने आ रहा है। बाकी नामों पर चलिए ज्यादा डिटेल के साथ, वीरेश पांडे जुड़ चुके हैं। वीरेश, जरा समझाएं ये 6 नाम क्या क्या हैं और किस तरीके से उम्मीदवारों के नाम का चयन हुआ है। देखिए, हरियाणा के रिजल्ट निकलने के बाद ये जो नाम है वो चौंकाने वाले हैं, नाम इतिहास भी चौंकाने वाले और लिस्ट भी चौंकाने वाली इतिहास से है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आधी आधी सीट मांग रही थी, यानी 5 सीट कांग्रेस मांग रही थी और कांग्रेस कह रही थी कि 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़े, लेकिन 6 सीटों के नाम की घोषणा कर दी है समाजवादी पार्टी ने, यानी उन्हें 5 सीट नहीं देने जा रही है। तेज प्रताप यादव की अगर हम बात करें तो मैनपुरी के पूर्व सांसद हैं, लालू यादव के दामाद हैं और खुद अखिलेश यादव के भतीजे हैं। करहल से जो सीट खाली हुई है अखिलेश यादव की, वो तेज प्रताप यादव भरेंगे। और सीसामऊ से अगर हम बात करें तो इरफान सोलंकी जो विधायक हैं, उनकी पत्नी है श्रीमती नसीम सोलंकी, उनको उम्मीदवार बनाया गया। और मिल्कीपुर की बात अगर हम करें तो अयोध्या के सबसे बड़े स्टेट के तौर पर सामने आए अवधेश प्रसाद के पुत्र श्री अजीत प्रसाद को ये टिकट दिया गया। अजीत प्रसाद जो है अवधेश प्रसाद के बेटे हैं, उनको टिकट दिया गया। और मझुआ जो निषाद बाहुल इलाका है, वहाँ डॉक्टर ज्योति बिंद को टिकट दिया गया है। वहाँ एक पहले समाजवादी पार्टी रोहित शुक्ला को टिकट दे रही थी, लगातार 2 चुनाव में उनकी हार हुई थी, इस बार टिकट बदल दिया है समाजवादी पार्टी ने। कटेरी से श्रीमती शोभा वर्मा को टिकट दिया गया है। तो ये जो टिकट कांग्रेस को नहीं मिला है, यानी 5 सीट कांग्रेस मांग रही थी, अब देखना होगा कि हरियाणा के बाद कांग्रेस किस रूप में अपने को गिवअप करती है, इस पूरे विवाद को बढ़ाती है या अपनी मांग पर टिकी रहती है। ये एक पहलू जरूर होगा गठबंधन की राजनीति को लेकर। बिल्कुल, और जिस तरीके से चौतरफा गिर रही है कांग्रेस, आप देखते हैं उपचुनाव को लेकर के खासकर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे में क्या टेक रहता है, क्या कहना होता है, इस पर निगाहें टिकी रहेंगे। फिलहाल 6 उम्मीदवारों के नाम सामने आ चुके हैं उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर के। समाजवादी पार्टी ने 6 अपने उम्मीदवारों के नाम मैदान में रख दिए हैं। समाजवादी पार्टी ने 6 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। आपको बताएं, करहल से तेज प्रताप यादव समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां समाजवादी पार्टी ने 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। जहां करहल से तेज प्रताप यादव समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होंगे, इस वक्त की बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं और 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी की ओर से कौन कौन चुनावी मैदान में होगा, ये हम आपको बताएं। जहां सबसे इंपॉर्टेंट करहल सीट, तेज प्रताप यादव का नाम सामने आ रहा है। समाजवादी पार्टी ने 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। आपको बताएं, ये नाम सीसामऊ से नसील सोलंकी, समाजवादी पार्टी उम्मीदवार, इनका नाम सामने आ रहा है। बाकी नामों पर चलिए ज्यादा डिटेल के साथ, वीरेश पांडे जुड़ चुके हैं। वीरेश, जरा समझाएं ये 6 नाम क्या क्या हैं और किस तरीके से उम्मीदवारों के नाम का चयन हुआ है। देखिए, हरियाणा के रिजल्ट निकलने के बाद ये जो नाम है वो चौंकाने वाले हैं, नाम इतिहास भी चौंकाने वाले और लिस्ट भी चौंकाने वाली इतिहास से है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आधी आधी सीट मांग रही थी, यानी 5 सीट कांग्रेस मांग रही थी और कांग्रेस कह रही थी कि 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़े, लेकिन 6 सीटों के नाम की घोषणा कर दी है समाजवादी पार्टी ने, यानी उन्हें 5 सीट नहीं देने जा रही है। तेज प्रताप यादव की अगर हम बात करें तो मैनपुरी के पूर्व सांसद हैं, लालू यादव के दामाद हैं और खुद अखिलेश यादव के भतीजे हैं। करहल से जो सीट खाली हुई है अखिलेश यादव की, वो तेज प्रताप यादव भरेंगे। और सीसामऊ से अगर हम बात करें तो इरफान सोलंकी जो विधायक हैं, उनकी पत्नी है श्रीमती नसीम सोलंकी, उनको उम्मीदवार बनाया गया। और मिल्कीपुर की बात अगर हम करें तो अयोध्या के सबसे बड़े स्टेट के तौर पर सामने आए अवधेश प्रसाद के पुत्र श्री अजीत प्रसाद को ये टिकट दिया गया। अजीत प्रसाद जो है अवधेश प्रसाद के बेटे हैं, उनको टिकट दिया गया। और मझुआ जो निषाद बाहुल इलाका है, वहाँ डॉक्टर ज्योति बिंद को टिकट दिया गया है। वहाँ एक पहले समाजवादी पार्टी रोहित शुक्ला को टिकट दे रही थी, लगातार 2 चुनाव में उनकी हार हुई थी, इस बार टिकट बदल दिया है समाजवादी पार्टी ने। कटेरी से श्रीमती शोभा वर्मा को
टिकट दिया गया है। तो ये जो टिकट कांग्रेस को नहीं मिला, यानी 5 सीट कांग्रेस मांग रही थी, अब देखना होगा कि हरियाणा के बाद कांग्रेस किस रूप में अपने को गिवअप करती है, इस पूरे विवाद को बढ़ाती है या अपनी मांग पर टिकी रहती है। ये एक पहलू जरूर होगा गठबंधन की राजनीति को लेकर। बिल्कुल, और जिस तरीके से चौतरफा गिर रही है कांग्रेस, आप देखते हैं उपचुनाव को लेकर के खासकर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे में क्या टेक रहता है, क्या कहना होता है, इस पर निगाहें टिकी रहेंगे। फिलहाल 6 उम्मीदवारों के नाम सामने आ चुके हैं उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर के। समाजवादी पार्टी ने 6 अपने उम्मीदवारों के नाम मैदान में रख दिए हैं और उन्हीं की डिटेल दे रहे थे वीरेश, आपका शुक्रिया जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।